एपिसोड की शुरुआत में मार्गरेटा ताउका को अपना लिक्विड देने ही लगती है कि तभी ताउका उठकर बोलता है कि वो प्योर नेक्रोमांसर नहीं है, हमें बस उसका मैना क्रिस्टल उससे अलग करना है। दूसरी तरफ लेलैंड बोलता है कि यहाँ तो बहुत सारा खून है, तभी उसे पता चल जाता है कि ये खून नकली है। दूसरी तरफ ताउका प्लान बताता है कि सोमर ड्रॉप का बूस्ट काफी कम टाइम के लिए है, इसलिए वो सभी स्केल्टन को अलग अलग भेजेगा हमें ढूंढने के लिए। उसके बाद हम होली स्वॉर्ड का पत्थर बनाकर उसके अंदर छुप जाएंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे। योना बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो अपनी स्केल्टन को अलग अलग भेजेगा। हेनरी बोलती है कि नहीं, एक रिमोट नेक्रोमेंसर सभी ज़ोंबीज़ को दूर से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक आम इंसान ज्यादा ज़ोंबीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ताउका बोलता है कि दूसरे शब्दों में हम उसे आसानी से फंसा लेंगे, और अब वो सभी स्केल्टन को ट्रैप में फंसा लेते हैं। अब लेलैंड बोलता है कि यह सब क्या हो रहा है, तभी ताउका उसका पीछे से मैना क्रिस्टल चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। लेलैंड बोलता है कि मुझे पता था तुम यही करोगी, इसलिए मैंने मैना क्रिस्टल को पहले ही हटा दिया था। हमारे पास बस यही रास्ता था मेरे साथ लड़ाई करने के लिए, लेकिन अब मेरे स्केल्टन के हाथों तुम मारे जाओगे। तभी योना और हेनरी दोनों मैना क्रिस्टल का इस्तेमाल करके सभी स्केल्टन को हरा देते हैं। लेलैंड बोलता है कि कोई बात नहीं, जब मेरे बाकी के स्केल्टन लौटेंगे तब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। अब पिछले सीन में ताउका बोलता है कि मुझे पता है लेलैंड हमारे साथ यही करेगा, और उस वक्त मार्गरेटा तुम हमारी मदद करोगी, तुम्हें मैना क्रिस्टल की तरफ एम करना है। मार्गरेटा बोलती है लेकिन मैं कैसे। ताउका बोलता है कि अपने आसपास देखो, जंगल में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अपने काम के लिए। अब एक पहाड़ी पर मार्गरेटा बोलती है कि आइज़ैक मुझे देखो, अगर तुम मेरे पास नहीं होते तो मैं अभी तक हेल्पलेस बन के कहीं पर रो रही होती। पर अब मार्गरेटा दूर से मैना क्रिस्टल पर एम लगाती है, जिससे उसका क्रिस्टल टूट जाता है और सभी स्केल्टन नीचे गिर जाते हैं। लेलैंड बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तुमने क्या किया। अब योना बोलती है कि तो फिर तुम तैयार हो, और अब वो लेलैंड को मारकर बांध देते हैं। ताउका बोलता है कि बिना थाई की दुनिया बनाने वाले तुम्हें तो मेरे हाथों हारना ही था। अब मार्गरेटा बोलती है कि क्या सब लोग सेफ हैं। ताउका बोलता है कि हाँ, मुझे थैंक्स बोलो। अब एक डीमन बोलता है कि लेलैंड मैंने तुम्हारे लिए सोविनर लाया था, फिर भी तुम हार गए। तभी सब लोग देखते हैं कि सीरियला को उस डीमन ने हरा दिया है। हेनरी बोलती है कि तो रेड हेडेड डीमन है जिसे हमने अंडरग्राउंड में देखा था, ये तो हाई रैंकिंग डेविल है। अब वो डीमन प्रिंसेस पर हमला करता है, लेकिन ताउका प्रिंसेस को बचा लेता है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। डीमन बोलता है कि अच्छा होली स्वॉर्ड, तो ये है वो हीरो, इस बार तो प्रिंसेस बच गई, अब कैसे बचोगी। अब योना माना क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उस डीमन के साथ लड़ने लगती है। डीमन बोलते है कि ये लड़ने में काफी अच्छी है। योना बोलती है कि ताउका कैसा है। हेनरी बोलती है कि वो जिंदा है, लेकिन इसकी रिकवरी रेट काफी स्लो है। योना बोलती है तो फिर इसे सोमा ड्रॉप पिलाओ। तो आइज़ैक बोलता है कि वो सारा तो इसने पी लिया था। अब योना बोलती है कि हेनरी कम से कम इसकी आत्मा को वापस उसकी बॉडी में डाल दो, ताकि हम उसकी आत्मा को तो बचा लें। हेनरी बोलती है कि नहीं, इस कमजोर स्टेट में अगर मैंने इसके साथ ऐसा किया तो ये पागल हो जाएगा। अब डीमन योना को पटक कर बोलता है कि बहुत हो गई बातें। अब वो हेनरी को बोलता है कि अच्छा तो तुम हो वो नेक्रोमेंसर जिसके बारे में लेलैंड बात कर रहा था। ऐसे मरे हुए लोगों को लेकर दुखी होना, हम नेक्रोमेंसर के अंदर इस तरह की फीलिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो हेनरी को पकड़ कर बेहोश कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा बाद में, लेकिन उससे भी पहले तुम्हारी बारी है प्रिंसेस। जब प्रिंसेस मरेगी तो मैं किंग का चेहरा देखना चाहता हूँ कि वो कैसा लगेगा। तभी आइज़ैक पीछे से मार्गरेटा को बचा लेता है। आइज़ैक बोलता है कि प्रिंसेस मैं इसे रोकता हूँ, तुम जाके ताउका को रीजनरेट करो। तभी योना भी आइज़ैक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, मुझसे ये सब नहीं हो रहा। ताउका धीरे से बोलता है कि कोई बात नहीं, प्रिंसेस को वैसे भी ये सब नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, मेरे जैसा फार्मर दुनिया को कैसे बचा सकता है। प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, तुमने मेरे लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी, तुम मेरे लिए तो हीरो हो। ताउका बोलता है कि अच्छा तुम मेरी एक आखिरी इच्छा मानो, मेरी जेब से हाई थाई सॉक्स निकाल कर उन्हें पहनो और मुझे दिखाओ। मार्गरेटा बोलती है कि ये तुम इस टाइम क्या बोल रहे हो। तभी ताउका बेहोश हो जाता है। अब मार्गरेटा बोलती है कि उठो ताउका, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अगर तुम मर गए तो, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि तुम्हारे झूठ की वजह से मैं तुम्हारे साथ प्यार करने लगी हूँ। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ डीमन उन दोनों को हरा कर बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी मूवमेंट तो काफी डल हो गई। योना सोचती है कि मैंने बहुत ज्यादा मैना इस्तेमाल कर लिया है, मैं बेहोशी होने वाली हूँ। तभी ताउका बोलता है कि थैंक यू इसे इतनी देर रोकने के लिए। ताउका की बॉडी वापस आ जाती है, तो डीमन बोलता है कि ये है असली हीरो, नहीं इसके अंदर तो कोई और इंसान है। अब डीमन ताउका पर हमला करते हुए बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बार जिंदा होते हो, फिर भी तुम मेरे आगे टिक नहीं सकते। ताउका तलवार से उसकी शक्ति को रोककर बोलता है कि अब हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब ताउका अपनी तलवार को बहुत ही बड़े बैट में बदल देता है और उसके बाद उस मॉन्स्टर को एक ही बार में दबा देता है। डीमन के मरते ही दूसरी तरफ एक आदमी उठकर बोलता है कि अच्छा तो ये है वो हीरो, उसकी ताकत ने तो मेरी आंखों में आंसू हिला दिए, अगर ये हीरो इतना ताकतवर नहीं होता तो मेरा रिवेंज तो बोरिंग ही हो जाता। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि क्या हुआ मास्टर स्नोट। वो आदमी बोलता है कि चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो गई है, और हाँ मुझे मास्टर स्नोट बोलना बंद करो। अब ताउका बोलता है कि लेलैंड को क्या हुआ, तो प्रिंसेस बताती है कि ओवरडोज की वजह से वो पागल हो गया है। ताउका बोलता है कि और सीरियोला, तो आइज़ैक बोलता है कि सीरियोला काफी इंजर्ड है लेकिन वो फिर भी ठीक है। योना बोलती है कि उस ऑर्फनेज का क्या हुआ, तो आइज़ैक बताता है कि आज के बाद मैं उसे संभालूंगा। मार्गरेटा बताती
बताती है कि उसकी माना लोस की बीमारी भी ठीक हो गई है। तौका बोलता है कि वो कैसे है। मार्गरेटा बोलती है कि 10 साल से मैं रोई नहीं थी, लेकिन जब मैं रोई उसके बाद मेरी सारी फीलिंग्स बाहर आ गई और मैं ठीक हो गई। तौका बोलता है क्या, और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे आंसुओं का फिर से इस्तेमाल करूंगा। प्रिंसेस बोलती है कि मेरे पास जो सोमा ड्रॉप है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तौका खुश होकर बोलता है कि फाइनली मैं असली हीरो की तरह एडवेंचर पर जा पाऊंगा। और वैसे तुमने कुछ कहा था ना कि तुम्हारी सारी फीलिंग्स बाहर आ गई, वो क्या था? प्रिंसेस सोचती है कि ऐसी चीज में फिर से नहीं बोल सकती, ये काफी एम्बेरसिंग है, और बोलती है कि कुछ भी नहीं। तौका बोलता है कि उस टाइम क्या मैंने तुम्हें अपनी आखिरी इच्छा के बारे में बताया था? प्रिंसेस बोलती है कि हाँ, और वो तौका को हाई थाई सॉक्स पहन के दिखा देती है। तौका बोलता है कि तुम्हारी थाई तो यूना की थाई से भी काफी अच्छी लग रही है। तौका बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारा फाइनल गुड बाय है। प्रिंसेस बोलती है कि कोई बात नहीं। अब किंग तौका को बोलता है कि तुम जा रहे हो, तो तौका बोलता है कि हाँ, दुनिया अभी भी खतरे में है। बोलता है तो फिर मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट स्वीकार करो। आइज़क बोलता है कि एक मैजिकल कैरीज है जो मैना की मदद से कंट्रोल होता है। हेनरी दुखी होकर बोलती है क्या इसका मतलब ये सिर्फ मुझे ही चलाना पड़ेगा। अब तौका बोलता है कि मार्गरेटा हमें देखने नहीं आई, तो आइज़क बोलता है कि प्रिंसेस अभी क्लास में है। तौका बोलता है कि ओह, वो रही प्रिंसेस। अब आइज़क बोलता है कि प्रिंसेस ने तुम्हारे लिए लेटर छोड़ा है। रास्ते में तौका लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि डियर फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया में नहीं जा पा रही, लेकिन मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तौका, जब मुझे पता चला था कि तुम असली हीरो नहीं हो, मैं बहुत दुखी थी, लेकिन जितना भी टाइम हमने साथ में बिताया है अब मैं उसे ही याद करती रहूंगी। और हाँ, जब दुनिया में शांति आ जाएगी उसके बाद मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहूंगी। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी छोड़ा है। यूना बोलती है कि प्रेजेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर प्रिंसेस है। तौका बोलता है कि बकवास मत करो, प्रिंसेस मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। ये सुनकर प्रिंसेस सोचती है कि अगर उसे पता चला तो वो मुझसे बहुत ज्यादा दुखी होगा। हमें पता चलता है कि तौका को प्रिंसेस का पता चले गया कुछ दिनों के बाद, जब वो भूख से मरने ही वाली थी। अब हमें तौका प्रिंसेस लड़ाई करते हुए दिखाई जाती है। प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाने आई हूँ ताकि तुम्हें असली हीरो बना सकूं। तौका बोलता है लेकिन मैं अपनी तलवार को बड़ी करके किसी भी ओपोनेंट को मार सकता हूँ। योना बोलती है लेकिन तुम्हारा मैना लेवल तो अभी से लेवल 3 तक गिर गया है। मार्गरेटा बोलती है लेकिन तौका डेली बेसिस पर अपने माना को कंज्यूम करके बॉडी मैनेज कर रहा है। तौका बोलता है कि वैसे तुम्हारे पास कितने सोमा ड्रॉप है, तो मार्गरेटा बोलती है कि सिर्फ 5। तौका बोलता है क्या, तब तो हमें जल्दी से जाकर हेल्स के गेट को सील करना होगा। मार्गरेटा बोलती है कि सोमा ड्रॉप के साथ वहां पर जाना तो सुसाइड है, तुम्हें अपने माना के साथ लड़ना सीखना होगा। तौका बोलता है कि नहीं, अगर कुछ भी हुआ तो मैं बस ट्रैप बनाकर वहां से बच निकलूंगा। मार्गरेटा बोलती है कि मैं तुम्हें इतने अनहीरोइक तरीके से लड़ने नहीं दे सकती। यूना बोलती है कि तौका सिर्फ रेडिश उगाने के अलावा कोई काम अच्छे से नहीं करता। तौका बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो एक अल्टीमेट फूड है जिसे हम एडमायर भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। मैं तो जिंदगी भर रेडिश खाकर भी जिंदा रह सकता हूँ। वैसे प्रिंसेस, तुम यहाँ पर हो तो क्या कैपिटल में सब ठीक होगा? मार्गरेटा बोलती है कि हाँ, आई थिंक आइज़क सबको बेवकूफ बना लेगा, और मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें फाइटिंग सिखाना चाहती हूँ ताकि दुनिया को बचा सकूं। तौका बोलता है कि तुम दुनिया को बचाने के लिए इतना सब करोगी, तुम जरूर अपने फादर की जगह लोगी, दुनिया की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। योना बोलती है लेकिन फिर भी तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। अभी एनरी बोलती है कि देखो, मुझे ये बर्ड मिला, चलो इसका मीट बनाते हैं। मार्गरेटा बोलती है कि अरे रुक जाओ, सिरियोला ने इसके साथ लेटर भेजा है। सिरियोला लेटर में बताती है कि जब तुमने हाई रैंकिंग डीमन को हराया था, उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉडी वहां से भागी थी। हमें लगता है कि लीलैंड के अलावा कोई और है जो नेक्रोमेंसी यूज कर रहा है, इसीलिए प्लीज वापिस आकर इस केस में हमारी मदद करो। तौका बोलता है कि एनरी तुम्हें कुछ पता है? तो एनरी बोलती है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है ये शायद डीमन मेरी तरह हेल से निकला हुआ हो और वो 3 साल पहले का बदला लेना चाहता हो। तौका लिखता है कि सिरियोला इस केस को खुद सॉल्व करो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तौका बोलता है कि हेल के गेट को बंद करना हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब शाम को प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें डिनर करना एटिकेट के साथ सीखना होगा। तौका बोलता है लेकिन क्यों? तो प्रिंसेस बोलती है क्योंकि बाद में हमारी शादी भी होगी। तौका बोलता है जर्नी के बाद मैं अपनी असली बॉडी में वापस आ जाऊंगा, हीरो नहीं रहूंगा। तो प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम दुनिया को बचाओगे तो तुम हीरो बन जाओगे। तौका बोलता है कि तुम ये सब बोल रही हो लेकिन मैं फिर भी अपनी पुरानी लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी एनरी बोलती है कि सही कहा, तौका ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो अपनी स्लो लाइफ मेरे साथ जिएगा। प्रिंसेस बोलती है क्या तुम किंग के ऑर्डर को ठुकरा रहे हो? तौका सोचता है कि दो सुंदर लड़कियां मेरे लिए लड़ रही हैं और मेरे लिए, बल्कि सियोन के लिए नहीं। अब तौका बोलता है कि अरे रुक जाओ, मैं टूट जाऊंगा। अब नहाते हुए योना बोलती है कि प्रिंसेस क्या तुम सच में उसके साथ शादी करना चाहती हो? योना बोलती है कि हाँ, हीरो के साथ शादी करना ही मेरी ड्यूटी है, ऊपर से तौका बहुत ही काइंड पर्सन है जो सबको हंसाता रहता है। वैसे योना, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? तो योना बोलती है कि वैसे हमारी बस एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। प्रिंसेस बोलती है लेकिन जब तौका नॉकडाउन हुआ था तब तुम उसे बिना किसी प्रोडक्शन के बचाने कूद गई थी। योना अटक कर बोलती है कि मैं बस उसे एक छोटे भाई की तरह देखती हूँ और कुछ भी नहीं। प्रिंसेस बोलती है कि तब तो तुम्हें मेरी और तौका की शादी से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? योना गुस्से में बोलती है कि मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, और वहां से उठकर चली जाती है। अब योना प्रिंसेस की बातों के बारे में सोच रही होती है कि तभी वो हाई थाई सॉक्स लगाने लगती है। अभी उसे सेंस होता है कि तौका ने वहां पर वो रखी है, और अब तौका को पंच मारकर वो गिरा देती है। तौका बोलता है कि रुको, मैं बस ये लौटाने आया था जो तुम भूल गई थी। योना बोलती है कि तुम बस हीरो की अपीयरेंस का फायदा उठाकर ही घटिया चीजें करते हो। तौका
बोलता है कि तुम बस हीरो की तारीफ क्यों करती रहती हो। तो यूना बोलती है कि क्यों ना करूं, उसने एक बार मेरी लाइफ बचाई थी। और दूसरी तरफ तुम जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा वहां से गायब होते हो। अब गुस्से में यूना वहां से चली जाती है। तोका बोलता है कि यूना अपने कपड़े तो पहन लो। बाहर यूना सोचती है कि पता नहीं मैं उस एडिट कितनी परवाह क्यों करती हूँ, अब प्रिंसेस हमारी पार्टी में जुड़ गई है, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। अब बचपन के सीन में यूना बोलती है कि ये तुम्हारा कमरा है और ये मेरा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी एक ज़ॉम्बी जैसा आदमी यूना को काट लेता है। यूना बोलती है कितने सारे ठरकी आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ से भागना होगा, और वो वहाँ से भाग जाती है। छुपकर यूना सोचती है कि ये मार कितना जल क्यों रहा है और ये सब आदमी कोई नॉर्मल नहीं लग रहे। तोका वहाँ पर आ जाता है। यूना बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तोका बोलता है कि तुम बिना कुछ पहने ही जो आ गई थी इसीलिए। यूना बेहोश हो जाती है और बोलती है कि मेरी बॉडी गर्म हो गई है। तोका सोचता है कि यह यूना ही मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, एक मिनट रुको, लेकिन ये बॉडी तो हीरो की है, अगर मैंने कुछ भी गलत किया इसका मतलब हुआ कि यूना हीरो के और करीब आ गई। तोका ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है। तभी यूना बोलती है कि ये लोग नॉर्मल नहीं है। तभी यूना को सेंस होता है कि वो ज़ॉम्बी में बदल रही है। अब वो तोका को पकड़ कर दूर फेंक देती है और बोलती है कि भाग जाओ, मैं ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ। तोका ज़ॉम्बी के ऊपर कूद कर बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इंसान हो या ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। यूना सोचती है कि मैंने इसे इतना बुरा भला कहा, फिर भी ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। अब तोका ज़ॉम्बी के बीच में घिरा होता है। तभी एक आदमी बोलता है कि अगर तुम मानोगे कि तुम फेक ही रहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तोका बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं फेक ही रहूँ, मेरी मदद करो। अब वो आदमी ऊपर से नीचे कूद जाता है जिससे सभी ज़ॉम्बी नीचे गिर जाते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।